वो कहानी है ना कि राजा ने कहा कि भाई जो मुझे कोई लंबी कहानी सुनाएगा, बहुत लंबी लंबी, तो मैं उसको 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। ऐसी कहानी सुनाए कि पूरी ही ना हो। अब कई पंडित विद्वान आते, कहानी सुनाते, लंबी 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 कहानी कहानी चलती, कई दिन पर पूरी तो हो जाती। पर एक कोई गुरु का प्यारा सिख आया और कहा कि राजा इनाम तैयार करो। राजा ने कहा तुम कहानी तैयार करो। बोले वो तो तैयार है तो सुनाओ। राजन, एक बहुत बड़ा बगीचा था, फिर उसमें कई सारे पेड़ थे और बड़े बड़े पेड़ थे। अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ कि उस बगीचे में टिड्डियों का झुंड आया। वो टिड्डियां होती है ना, फसल नष्ट कर देती हो, टिड्डियों का झुंड आया। कई पेड़ों पर टिड्डियां बैठ गई, एक पत्ते पर एक टिड्डी, एक पत्ते पर एक टिड्डी बैठ गई। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या हुआ, थोड़ी हवा चली तो एक टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र, दूसरी टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र, तीसरी उड़ी, आवाज आया फुर्र, चौथी उड़ी, आवाज आया फुर्र, पांचवी उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर छठी उड़ी, आवाज आया फुर्र, फिर सातवीं उड़ी राजन, और आवाज आया फुर्र, आठवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र, नौवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा फिर क्या हुआ? फिर दसवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र, फिर क्या हुआ? आगे भी तो कुछ हुआ होगा। बोले आगे ग्यारहवीं टिड्डी उड़ी, आवाज आया फुर्र, उसके बाद फिर बारहवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र, तेरहवीं उड़ी। राजा ने कहा उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा। फिर चौदहवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा मेरे बाप, ये इनाम तू उठा और तू भी यहां से फुर्र। वो गुरु का सिख कहता नहीं नहीं राजन, तुम कहानी तो पूरी होने दो ना। सोलहवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा तू कहानी आगे तो चलाता ही नहीं, खाली फुर्र फुर्र कर रहा है। बोले सब टिड्डियां उड़ जाए तब तो कहानी आगे चलेगी ना। सत्तरवीं उड़ी, आवाज आया फुर्र। राजा ने कहा मेरे बाप तू यहां से जा, कहानी पूरी हो गई, जा तू जा। तो जैसे उस बगीचे में सब टिड्डियां उड़ जाए तब तो कहानी आगे चले, उसी प्रकार हमारे हृदय में से भी फालतू संकल्प विकल्प और कल्पनाओं की टिड्डियां उड़ जाए तब तो कहानी आगे चले, माने साधना आगे चले, भक्ति आगे चले।